नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टास टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, निफ्टास टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और निफ्टास टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि निफ्टास टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में निफ्टास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। निफ्टास टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पेशाब में इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर पेशाब करते समय जलन होना, बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब से बदबू आना आदि लक्षण पेशाब में इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं। और यदि पेशाब का इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो कमर में दर्द, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और बुखार होना आदि लक्षण भी हो सकते हैं। निफ्टास टैबलेट पेशाब में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारती है और पेशाब के इन्फेक्शन को ठीक करती है। निफ्टास एक ब्रांड नेम है। निफ्टास टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन नाइट्रोफ्यूरेंटोइन होता है। निफ्टास टैबलेट 50 mg व 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टास टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। निफ्टास टैबलेट को खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद लेना रेकमेंडेड होता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को निफ्टास 50 mg टैबलेट को दिन में 4 बार लेने की सलाह देते हैं और निफ्टास सस्टेंड रिलीज 100 mg टैबलेट को दिन में केवल 2 ही बार लेने की सलाह देते हैं। निफ्टास टैबलेट को डॉक्टर 7 दिन तक लगातार लेने की सलाह देते हैं। निफ्टास टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको निफ्टास टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना निफ्टास टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टास टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में निफ्टास टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में निफ्टास टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त, सिरदर्द होना, भूख कम लगना, पेट में दर्द, चक्कर आना और त्वचा पर रैशेस आदि साइड इफेक्ट्स निफ्टास टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टास टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में निफ्टास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लिवर और किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर निफ्टास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना निफ्टास टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को निफ्टास टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को निफ्टास टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं निफ्टास टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर जरूरत पड़ने पर निफ्टास टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए निफ्टास टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि निफ्टास टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को निफ्टास टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को निफ्टास टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका निफ्टास टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।